समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के बैनर तले बुधवार को ओहर पंचायत में नशे के खिलाफ विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अर्धनारीश्वर समाज में सेवा समिति की अध्यक्षा बिजली महंत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास की पंचायतों के प्रधान उप प्रधान पुलिसकर्मी तथा समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। संस्था द्वारा सभी गणमान्य लोगों को टोपी व हार पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति द्वारा ओहर बाजार में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस दौरान बिना हेलमेट से वाहन चलाने वाले चालकों को सुरक्षा की नसीहत देते हुए निःशुल्क हेलमेट प्रदान किए गए, जबकि जिन लोगों ने हेलमेट पहने थे और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे थे को फूल देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के प्रधान बिजली महंत ने कहा कि जानलेवा चिट्टा नशा गांव गांव तक पहुंच चुका है। युवा पीढ़ी इस नशे का शिकार होकर अपनी जान गंवा रही है। कई युवा मौत के मुहाने पर खड़े हैं। हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार नशे के मिटाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज और पुलिस यदि परस्पर सहयोग से काम करे तो चिट्टा नामक नशे पर रोकथाम लगाई जा सकती है। ओहर पंचायत की प्रधान प्रेमलता ठाकुर, उप प्रधान रंजीत वर्धन ने अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के इस प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को नशे के खिलाफ एकजुट होना होगा। ठाकुर ग्राम पंचायत ओहर से प्रधान, आज हमारी ग्राम पंचायत ओहर में अर्धनारीश्वर समाज से बिजली महंत जी आए हुए थे। उन्होंने नशे के ऊपर एक जागरूक अभियान शुरू किया है जो ग्राम पंचायत ओहर से शुरू किया है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने, मेरी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पे युवा शक्ति, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पे मौजूद थे। और नशे के ऊपर जो चिट्टा जैसी एक घातक नशा हमारे समाज में फैल रहा है, उसके ऊपर एक कड़ा वार आज ओहर पंचायत ने एक संज्ञान लिया और एक प्रतिज्ञा ली कि हम ओहर पंचायत को नशे से मुक्त करवाएंगे। और आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये जो नशे का जो जागरूक अभियान हमने यहाँ से शुरू किया है वो बहुत आगे तक जाएगा। और समय समय पर हम बच्चों को, युवा जितने भी स्कूल में युवा नई जनरेशन वाले बच्चे ने इस नशे की चपेट में आ रहे हैं, हम मिलकर सभी महिला मंडल, सभी स्वयं सहायता समूह वाली जितनी भी महिलाएं हैं, हमने आज ये एक यहाँ से प्रण लिया है कि हम अपने बच्चों को इस चिट्टे जैसे घातक नशे से बचाएंगे और इस अभियान को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। और इस अभियान के लिए हमें हमारी पूरी पंचायत की टीम का और हमारे पूरे ओहर की जनता का सहयोग मिला है। और अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के जो बिजली महंत जी और उनके साथ जितने भी समाज सेवक आए हुए हैं उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी। प्रणाम, जय माता दी, सत श्री अकाल। आज जो ये नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत हम ओहर पंचायत में आए और ओहर पंचायत में लोगों को जागरूक किया, ओहर पंचायत की प्रधान प्रतिनिधि प्रेमलता ठाकुर जी और उनके उप प्रधान और वार्ड मेंबर और इतनी महिलाएं, 200-300 महिलाएं, पुरुष सब ने सहयोग किया, लोगों को जागरूक किया, रैली निकाली गई नशे के खिलाफ। ये जो चिट्टा नाम का पदार्थ, जहरीला पदार्थ, खतरनाक पदार्थ जो आया है, ये हमारी युवा पीढ़ी को का सत्यानाश करने आया है। इससे निजात दिलाने के लिए, इससे छुटकारा दिलाने के लिए जो आंदोलन करने हमने लाया है, नशे को भगाना है, देश को बचाना है, ये आंदोलन कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमने लोगों को जागरूक किया, रैली निकाली गई, बहुत तकड़ी रैली निकाली गई, खाने पीने का भी। अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से और ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे उनको फूल और मालाएं पहनाकर उनको सम्मानित किया गया और जो हेलमेट के बिना आए थे उनको हेलमेट दिए गए। अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति की ओर से फ्री सेवा की गई। जैसा कि अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति नशे के खिलाफ आंदोलन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, उसी के तहत आज ओहर में प्रोग्राम होया, उससे पहले झंडोत्तम होया, उससे पहले अब आने वाले समय भी बिलासपुर, माता नैना देवी,
गुमारवी, सातलाई, बरठी और जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं, जो गांव हैं और पंचायत है, घर घर जाके हम लोगों को जागरूक करेंगे और यह आंदोलन चलता रहेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।